बर्ताग इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर पुलिस ने निगम घोटाले को लेकर दबिश दी है। एमजी रोड थाने की पुलिस ने कार्रवाई की और नगर निगम के अधिकारी भी कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी राहुल वडेरा के घर पर दबिश दी गई। करोड़ों के डैमेज घोटाले और फर्जी बिल पास करने से मामला जुड़ा हुआ है। बता दें कि कांग्रेस ने पीएम को ट्वीट कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और कांग्रेस का आरोप कि 16 में से 12 नगर निगम में फर्जी बिल घोटाला हुआ और फर्जी बिल घोटाले की राशि लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा है और साक्ष्य को जो साक्ष्य है उन साक्ष्य को खत्म करने की कोशिश हो सकती है, साजिश रची जा सकती है, इस तरह के आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में ठेकेदार राहुल वडेरा के घर छापा पड़ा और आपको बता दें कि जानवी कंस्ट्रक्शन फर्म के ठेकेदार हैं वडेरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मामले में संज्ञान लिया। पुलिस और नगर निगम की टीम का छापा पड़ा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंकी वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंकी, नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में कार्रवाई हुई, छापेमार कार्रवाई, किस तरह की जानकारी सामने आ रही, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, इंदौर में पिछले एक महीने से लगातार जो है कि नगर निगम के तमाम जो फर्जी बिल घोटाले को लेकर जो धोखाधड़ी के प्रकरण एमजी रोड थाने में दर्ज किए जा रहे हैं, वो कई तरह की परत दर परत नगर निगम के इस घोटाले को उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं और आज से दो दिनों में ही दो एफआईआर भी दर्ज हुई है और इसी के चलते यह करोड़ों रुपए तक का जो है फर्जी घोटाला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फर्जी बिल की जब जानकारी शुरुआती तौर में जब आई थी सामने, जब एक फाइल जो है कि एक अधिकारी के गाड़ी से गुम हो गई थी, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद से यह घोटाला पूरा सामने आया और लगातार इसमें कम से कम 4 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी है एमजी रोड थाने पर, जिसके बाद में 5 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिनमें से मुख्य 3 जो आरोपी है जिसमें राहुल वडेकर, साजिद सिद्दीकी, ऐसे जो ठेकेदार है वो भी इस पूरे कार्रवाई में जज में आ गए हैं और पूरी तरीके से जो है पुलिस ने एक्शन मोड में ले लिया है। जो ड्रेनेज और की जो गंदी घास थी उसको घोटाले के रूप में पुलिस जो है पूरी तरह से टीम गठित करने के बाद में इसमें छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहाँ एक और जो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो लगातार फरार चल रहे हैं और दूसरी ओर जिनके घरों पर आज न्यायालय से जो वारंट निकाला गया, वारंट निकालने के बाद इनके घर पर दबिश दी गई थी और दबिश में पूरे मामले में दबिश को लेकर जो डीसीपी है पंकज पांडे, उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 टीमें बनाई गई थी, विनोद दीक्षित जो एसीपी है उनके निर्देशन पर, 3 थाना प्रभारी के साथ भारी पुलिस बल के निर्देशन पर अपोलो डीबी सिटी पर जो राहुल वडेकर है उनके घर पर दबिश दी गई थी। इसी के साथ जो अन्य जो आरोपी हैं उनके घर भी दबिश दी जा रही है। इनको धरपकड़ के लिए गुजरात से उज्जैन, देवास और अन्य जिलों के साथ ही इनके जो ठिकाने उनसे जो रेमनुमा है उनसे पूछताछ के साथ उनको पकड़ने के लिए टीमें लगातार जो है कि अन्य जिलों में भी दबिश दी, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो पकड़े जाएंगे उसके बाद में जो ठीक है। मैं आपके पास लौटूंगा और भी जानकारी के साथ। हम हमारे साथ लगातार बने रही है चंकी। और इस बीच हमारे साथ नरेंद्र सलूजा है, प्रवक्ता बीजेपी से। नरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार जी। सर एक बहुत बड़ा घोटाला नगर निगम फर्जी बिल घोटाला मामले में अब छापेमारी चल रही है, कुछ लोग फरार भी हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा घोटाला, 1800 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप। 1800 का आंकड़ा तो बहुत गलत है। हाँ, ये करीब अभी प्रारंभिक तौर पे 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच का आंकड़ा प्रारंभिक तौर पर सामने आ रहा है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर सरकार गंभीर है। ये घोटाला को पकड़ा भी हमारी सरकार ने, हमारी नगर निगम ने, दोषियों पे कार्रवाई की पहली भी महापौर ने, हमारे महापौर जी ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, वरिष्ठ अधिकारियों को, कैलाश की जी हमारे मंत्री है उनका भी बयान कल सामने आ चुका है कि उनकी मुख्यमंत्री जिससे चर्चा हो चुकी है, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही, उनपे इनाम भी घोषित है, फर्मों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, यह हमारी इसमें कड़ी चेतावनी है, ऐसे दोषी लोग कोई भी बचे नहीं जाएंगे। और जिस अवधि का भी घोटाला होगा, जिस जिसकी भूमिका सामने आएगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। इस बीच हमारे साथ विनोद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश लीगल सेल से, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। जी विनोद जी, चूंकि अब आप ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हालांकि नरेंद्र जी कह रहे हैं कि इस घोटाले को हमारी ही सरकार ने पकड़ा है और हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या जरूरत? भैया इनसे एक ही चीज पूछ लीजिए कि
इनकी महापौर महापौर कितने साल से है? ये महापौर नहीं, इनकी परिषद कितने साल से? चार पांच टर्म तो हो गए, 25-30 साल से घोटाले भी यही कर रहे हैं, और उसको कहें कि हम लिपापोती भी कर लेंगे, हम तो जांच कर रहे हैं, हमने ही पकड़ा। अरे चोर तुम्हारे यहाँ से चोरी कर रहा है और तुम्हारा ही घर का है तो क्या दूसरा आएगा पकड़ने? और सबसे बड़ी बात है कि 20-25 साल से जो चीज चल रही है, तो ये लोग क्या आंख मूंद करके बैठे हुए हैं? पूरा कौरव शासन चल रहा है इन लोगों का, धृतराष्ट्र बन के काम कर रहे हैं ये लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए कि पहले भी इनके यहाँ जब चपरासी पकड़ाए थे लोकायुक्त में और करोड़ों रुपए निकले थे, तो ये लोग क्या सो रहे हैं क्या अभी तक? अब बात कर रहे हैं कि हमने ही पकड़ा। अरे भैया चोरी भी तुम करवाओ, पकड़ो भी तुम ही, और कह रहे 100 करोड़ का हुआ। अरे छोटा वो है क्या, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है? तो आपकी नजर में विनोद जी कितना कितने का घोटाला हो सकता है? कम से कम तो इन्होंने 100 करोड़ मान लिया है, ये मान के चलिए कि इसका 4-5 गुना तो होगा ही होगा, कम से कम 4-5 गुना। लेकिन विनोद जी FIR भी दर्ज हो गई है, कार्रवाई हो रही है, तो क्या कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं आपको? नहीं, मैं इसलिए नहीं है कि एक कहावत बहुत पुरानी चल रही है, सैया भाई कोतवाल तो डर गाएगा। हाँ। कर्मचारी भी इन्हीं का, अधिकारी भी इन्हीं के, परिषद भी इन्हीं की। हाँ। ये तो अपने ऊपर कैसे लेंगे, ये तो लिपापोती करने वाले हैं। पुराने जितने भी कांड हुए हैं इसमें इन्होंने कितनों को वो करवा दिया बता दे। इनके यहाँ तो इंजीनियर करोड़ों रुपए से पकड़ाता है, एक इनका नरेंद्र जी शासन में बहुत सारी चीजें हुई है। नरेंद्र सलूजा जी तो पहले तो इन्हीं के गाली देते थे, अब जब बीजेपी में गए तो बड़ी उससे बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ये होता है, कैलाश जी बोल रहे, महापौर जी बोल रहे थे। नरेंद्र जी क्या आप लोग केवल लेपापोती वाला काम कर रहे हैं या वाकई में जो घोटाला हुआ है उसकी परत सामने आएगी, उस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई होगी, कुछ ठोस नतीजे में पहुंचेगी ये कार्रवाई? देखिए ये भ्रष्ट लोग हैं, इनको बोलने का कोई हक नहीं। 15 महीने की इनकी हमने कमलनाथ सरकार देखी, कैसे ट्रांसफर उद्योग चलता था, कैसे छापे में करोड़ों रुपए, 242 करोड़ रुपए मिले सबको पता है। 25 साल और 15 महीने में कितना अंतर होता है जरा बताइए मुझे। मैंने बात कौन से नगर निगम में कहा था, बीच में बोला नहीं हूँ। इनको बताइए क्या तरीका होता है बहस का, यदि एक आदमी विनोद जी एक मिनट वो जवाब दे रहे हैं, एक मिनट ये बोल रहे हैं तो मैंने बीच में बोलना, मुझे भी आता था, मैंने टोका के नहीं, नहीं कर सकते हैं इनको, आप करिए ना, मैं भी करता हूँ ना, चुप रहे आमने सामने बात कर लेते हैं। हाँ विनोद जी आमने सामने ही बात हो रही है, विनोद जी एक मिनट रुक जाइए, नरेंद्र जी कुछ बात कह रहे हैं उसके बाद अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक इनकी 15 महीने की सरकार हमने देखी, छापा पड़ा था इनकम टैक्स का, आज भी जांच चल रही, करोड़ों रुपए मिले थे किस प्रकार से, कमलनाथ जी की सरकार में करोड़ों रुपए दिल्ली भेजे जा रहे थे, छापों में मिले थे, क्या करा इनने, तो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। आप देखिए यदि इंदौर में ये फर्जी वाला पकड़ा है तो इसको क्या कांग्रेस ने पकड़ा, कांग्रेस ने उजागर किया, ये सब कांग्रेस के वार्डो में खेल हुआ है, ये सब जितना फर्जी वाला हुआ हम जानकारी जुटा रहे हैं, कांग्रेस के पार्षदों के वार्डो में हुआ है, एक भी कांग्रेसी को हम छोड़ेंगे नहीं, इसमें कई कांग्रेस के लोग भी किसी बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपने वार्डो में पार्षदों ने मिलकर घोटाला किया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे ये जानकारी ये दुरुस्त करने, ये घोटाला हमने पकड़ा है, ये कहने चोर चोरी कर गया, अरे किसी के घर यदि कोई चोर चोरी कर गया तो पकड़ा तो हमने ही ना, आपने क्या करा, आपकी कोई भूमिका हो तो बता। लेकिन नरेंद्र जी देखिये विनोद जी ने भी इस बात को दोहराया, उन्होंने कहा कि देखो मेयर आपके इतने वर्षों से आपके ही मेयर, क्या पहले इस मामले की भनक नहीं लगी है, ये मामला ये घोटाला अभी से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे जो पूर्व के मेयर है उनने ही इसकी सूचना देखी और जानकारी दी थी। हाँ। इस तरह का फर्जी वाला कुछ ठेकेदार फर्म कर रहे हैं और उनकी जानकारी के आधार पर ही हमने पकड़ा है। यदि हमको लिपापोती करना होती तो हम इसको उजागर क्यों करते, पुलिस को क्यों देते, जांच क्यों करते, ठीक है विनोद जी ब्लैक लिस्ट क्यों करते? हाँ हमें ठीक मैं बोलूं, ठीक है विनोद जी बोलिए और साथ में आप ये भी जवाब दीजिए विनोद जी एकदम। देखिए प्रदेश स्तर पर जांच हो रही है वो होने दीजिए, क्या उस पर भरोसा नहीं है? अगर CBI भी जांच होगी तो CBI में उस तरह की जांच होगी जैसे अभी हो रही है, उसके बाद आप कहेंगे कि देखो ये तो केंद्र के अधीन है, केंद्र की एजेंसी अपने हिसाब से जांच करेगी, उस पर भी आप सवाल उठाएंगे फिर? मैं नहीं मेरी बात आप सुनिए, मैंने ये नहीं कहा, मेरा ये कहना जैसे सलूजा जी ने अभी बोला कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने बहुत सारे घोटाले कर दिए। अरे भाई मेरे ये महापौर की बात चल रही है, इंदौर नगर निगम की बात चल रही है, पिछले कितने टर्म हो गए हैं जिसमें महापौर लोग और आज कह रहे हैं महापौर की ये घोटाले हुए हैं। और विनोद जी उन्होंने ही बताया कि पूर्व मेयर ने ही घोटाले को उजागर किया, उन्होंने ही शिकायत दर्ज करवाई। कौन से मेयर ने किया जरा बताएं, और कितने दिन बाद किया? चलिए ठीक है, और जरा ये भी बताएं, ये एक मिनट जरा पूरी बात सुनिए जी, अगर ये चीजें हुई हैं और आज अगर ये उजागर हुआ है, आप ये कहते हैं हाँ भैया हम लोगों के साथ, अरे वो जब चोरी कर रहे इतने लंबे समय से कर रहे तो ये लोग क्या सो रहे थे? ऑडिटर क्या सो रहा था? सारी चीजें अब आज अगर कोई चीज ऊपर आई है तो अब आप कह रहे हो कि भैया दादा हम तो पहले से हमने सचेत कर दिया,
ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। ठीक है विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।